ये जो किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे शांति के लिए, लेकिन ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ये सब देखने को मिला, क्या कहना है? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है। हर हाल में देखिए, हमेशा से हमारा भारतीय तिरंगा जो है वो हमारे देश की आन बान शान है, हमारी जान है। अब जो भी इसके खिलाफ गया कोई भी हो, देखिए किसानों को समझ लेना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं डूबी हुई वो किसानों की आड़ में अपनी राजनीति फुल तरीके से कर रही हैं। किसानों को तो मुद्दा बना गया, भोले भाले किसान हैं, किसान हमारे अन्नदाता होते हैं तो उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो किसान को समझने की ज़रूरत है, हम क्यों उनका शिकार बने? अगर कोई भी हमारी सरकार से मांग है या कोई भी सरकार से हमारी उपेक्षा है तो हम उसे मांग कर दें कि अच्छा, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का हक है, ये हक है, स्वतंत्र भारत है, सबको हक है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करें, ना कि दहशतगर्द का माहौल दिया जाए। कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं किसान भाइयों से अपने कहना चाहूँगा, क्या फ़ायदा कोई ऐसी बड़ी घटना अंजाम ना हो पाए, उससे पहले ही सब समेट कर जो भी बात है आप सरकार से बात करने की कोशिश जायज तरीके से करें, और सरकार जो है उसका हल निकालेगी, और सरकार ही निकालती है। लेकिन आप सरकार को मतलब नीचा दिखाने के लिए या इस तरीके का कोई आंदोलन करेंगे, अच्छा व्यापारियों को भी इससे दिक्कत हो रही है, आप जाम कर रहे हैं, दिक्कत तो सबको हो रही है। अगर आप सोचें कि क्या कहते हैं, हम अपना आप बात मनवाने के लिए इस तरीके के तौर तरीके अपना रहे हैं, उससे आम आदमी को भी तो दिक्कत हो रही है, कोई कहीं जा नहीं सकता, जाम में फंस रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए सोचिए, आप सबका भला सोचिए ना। आप जैसे सबसे अपने भले की उपेक्षा कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी सबका भला करें। आप जाम लगाएंगे, व्यापारी को भी दिक्कत होगा, आम लोगों को भी दिक्कत होगी, जो भी रोजमर्रा वाले जाने वाले सबको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकार के बीच में कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। जी, इसका हल निकलेगा। देखिए, हर समस्या का हल निकलता है, कोई भी समस्या जो होती है बातचीत से ही हल होती है। अगर इस तरीके से उसका आंदोलन का रूप दिया जाएगा तो कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। बहुत बहुत प्रोटेक्ट्स हुए हैं देश में, हमेशा होते चले आए, सबके हल निकले गए। लेकिन आप जो है इस तरीके से जो दुखद घटना को अंजाम दिया गया, गणतंत्र दिवस जैसे पर्व पर, आप जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन तिरंगे का जो आदमी अपमान किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी मैं भी निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से अपने कि ये जो है धरना समेटें और जो है सरकार से बात तलब करके ही सही तरीके से, देखिए जो जायज़ मांग होगी वो ज़रूर पूरी होगी, और बेवजह की जो मांग होगी देखिए वो सरकार कैसे पूरी कर सकती है। और जो अगर अच्छा, लगता है ये जो हुआ है, जो घटना हुई है, कुछ आंदोलन पे इससे फ़र्क पड़ सकता है? जी फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ना भी चाहिए। एक बात बताइए, आपने इस तरीके की घटना को भी अंजाम दिया, कई अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तस्वीरें सामने आई हैं, आपने देखा होगा उसमें प्रशासन को, जो हमारे रक्षक हैं पुलिस प्रशासन को, उन्हें मारा जा रहा है या उनको गिराया जा रहा है, ये कितना दुखदायक है। अगर यही काम प्रशासन अगर करता तो प्रशासन को आड़े हाथों लिया जाता और प्रशासन पे सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता, ये प्रशासन ने ऐसा करा, पब्लिक को मारा, किसान को मारा या आम पब्लिक को मारा। लेकिन अब प्रशासन के साथ करा है तो देखिए कितनी शर्मसार बात है ये। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आंदोलन आंदोलन पे? ये फ़र्क पड़ेगा, अब जो है आंदोलन ने फ़र्क क्या हटाना ही चाहिए आंदोलन ही, आंदोलन जब देखिए उसका कोई रीज़न निकल गया बेफायदे में 2 महीने। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आंदोलन को बढ़ावा कौन दे रहा है? जब ये माहौल है, जब इंसान समझ रहा है, कुछ किसान भी समझ रहे हैं, हम उनको एक शिकार बनाया जा रहा है, उनकी आड़ में खेल खेला जा रहा है, जो भी कर रहे हैं ये सब, तो किसान को समझ के आंदोलन समेट लेना चाहिए अपना, और सरकार से ही वार्तालाप करें, कुछ लोग जाके बात करें या जो भी हो किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया एक दायरे में बात करें, और हल निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। सरकार भी किसान भाइयों का साथ देगी और देती आई है, किसान के खिलाफ कोई काम नहीं करा है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। ज़रा इस चीज़ को समझे, गौर करें, और क्या फ़ायदा कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है हमारे देश का भी नुकसान हो, हमारा अपना खुद का भी नुकसान हो। देश हित काम करें, जो भी करें।